हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, फ्रेंड आप देख ही रहे, ये जो क्रोशेट है तो इसे आप लोगों को दिखाऊंगा आज, और ये कैसे तैयार किया है ये तो मैं दिखाऊंगा ए टू जेड। साथ ही साथ आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे हमको इसे कहाँ कहाँ पर इसे यूज़ करना होता है और क्या क्या अलग अलग डिज़ाइन भी इससे हो सकता है। जितना हो सके मैं दिखा दूंगा, सभी डिज़ाइन तो एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं है। तो जो तरकीब मैं इसमें दिखाऊंगा और जो डिज़ाइन आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक बात पता चल जाएगा, चलो ये जो टेक्निक है इसे आप कहाँ कहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखाया तो वो कैसे तैयार करना है, तो देखिए सबसे पहले आप मानिए ये तो मैं एक टेक्निक दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और कहाँ पर यूज़ करना होता है और ये होगा कहाँ पर यूज़ करना, तो मैं बाद में इस वीडियो के बाद में थोड़ा सा स्केच करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा ये जो टेक्निक है कहाँ पर हम किस तरीके से क्या क्या हम कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत लोग बहुत पसंद कर रहा है इसे इस टेक्निक को, क्योंकि उन लोग अपना हिसाब से कुछ अलग बना रहे हैं इसी तरह टेक्निक लेकर, ताकि मैं एक टेक्निक दिखा रहा हूँ उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं वो लोग। तो चलिए ये भी उस टेक्निक ही दिखा रहा हूँ मैं फ्रेंड। और सबसे पहले ये जो एक चांदी है और इसके नीचे हमें तो कुछ भी तो देना तो पड़ेगा ना, तो हमें वो देना है इस जगह में। तो चलिए वो तैयार करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ क्या क्या तैयार करना होगा हमारा। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने एक लेफ्ट साइड का पार्ट मैंने कर लिया है, और इसे आप लेफ्ट बोल भी सकते हो और राइट भी बोल सकते हो, मैं तो सिर्फ जस्ट टेक्निक दिखा रहा हूँ। और ये देखिए नीचे जो एक लाइनिंग दिया है मैंने, और ये देखिए इस तरफ का नीचे ऊपर दोनों ही पाका है, और इधर मैंने पाइपिंग भी दिया है इस जगह में, देखिए क्लियर दिख रहा है। तो अब मैं इसे दिखा रहा हूँ तैयार करके किस तरीके से मैंने वो तैयार किया है। देखिए सबसे पहले ये हमारा जो लाइनिंग है, और एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं इसके बाद दिखा दूंगा कितना अच्छा है ये टेक्निक लेकर आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत बढ़िया डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले ये पाइपिंग तैयार करना भी मैंने नहीं दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसका वीडियो बहुत मैंने डाला है, और पाइपिंग तैयार करने के बाद मैंने इंटरलॉक से पाका कर दिया है ये, और इसका लुक और भी अच्छा लगता है। और ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो लगाना है मैंने इसी तरह इसे भी कट कर लिया है, और मैं चाहता हूँ टिशू दिखेगा उसके नीचे ये लूपिंग रहेगा, और लूपिंग को मैंने तैयार नहीं किया है, एक इसी तरह एक डोरी से मैं तैयार कर रहा हूँ। बाजार में इससे भी अच्छा बहुत कुछ मिलता है, आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो चलिए सबसे पहले ये मैं लगा रहा हूँ, और इसे करने के लिए आप लोगों को जो प्लास्टिक फूटर और सिंगल फूटर चाहिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जिन लोगों के पास वो नहीं है आप लोग सिंपल सा ये जैसे कि कांची हो और कुछ भी स्क्रू ड्राइवर, थोड़ा सा अपना फूटर को लेफ्ट में घुमा देंगे। क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी वीडियो में बताता हूँ मैं, ये जो नीडिल है ना हमारा, इस नीडिल को ये जो लेग राइट वाला जो फूटर है इसके पास लाना है, बस यही काम है, बाद में इसे फिर से मिडिल करना है। तो चलिए हमने तो कर लिया, मैंने प्लेन चाप से ही पाइपिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये कर लिया है, और उसके बाद हमें अपना जो गैपिंग मैंने पहले दे चुका हूँ एक, तो किस तरह से कैसे कितना गैपिंग लेकर मैंने दिया हो तो उसी तरह देखना है, और देखना है फ्रेंड ये पाइपिंग से ऊपर कितना ऊपर दिया हुआ है, यानी कि ये देखिए इसका जो गैपिंग है वो गैपिंग ठीक ठाक रखना है। ये देखिए मैंने इतना दूर दिया है, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट आपको करनी है, एक जैसा होगा दूसरे वैसा ही हमें करना है। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ये देखिए एक दे दिया हूँ, और दूसरा किस जगह में है वो गैपिंग, ये देखिए इसी तरह गैपिंग है, इसी तरह दिख रहा है फ्रेंड क्लियर।
ये देखिए, तो इसी तरह मैंने पूरा जो है मैं लगा कर उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है, और उसके बाद ये देखिए सिंपल सा काम है। इस तरफ से भी हम लोग कर सकते हैं, मगर नहीं करूँगा क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें तो एक स्टिच दिखना है ताकि जिस जगह में हमारा ये पाइपिंग दिया हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड इस तरह का जो भी काम आपके पास आए तो आप लोगों को उसी तरह ही करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसमें हमें दिख रहा है कि एक स्टिच दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दिखा रहा हूँ एकदम डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए किसी जगह में बीट नहीं अंदर गया है, ये देखिए इधर भी सभी जगह में बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम एक लॉक दे देंगे, ये देखिए। और फ्रेंड मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ, ये जो क्रोचेट है इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, आप लोग भी इसी तरह कुछ दोरी आप लोग यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो कपड़ा में जो लूपिंग होता है उसके उसको फ्रेंड कपड़ा के साथ कॉम्बिनेशन करके आप लोग लगाना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह दोनों तरफ खींच के आपको लगाना है इसी तरह। ये देखिए, और इसके बाद हमें ये साइड में देने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो फिर भी मैं दे रहा हूँ, मगर जब आप कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको देनी है फ्रेंड, नहीं तो इस जगह में अगर डाउन वगैरह हो, साइड में कुछ पट्टी हो तो आप नहीं लगा पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये स्टिच आपको ऑब्वियसली देना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहा है फ्रेंड, इसे देखकर और इस डिज़ाइन को आप लोग चाहे इसका नीचे कोई अलग कपड़ा भी देकर आप लोग कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया बाद में दे रहा हूँ, फिलहाल मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसे एक मेज़रमेंट करने वाला हूँ। आप देखिए दोनों तरफ से इतना इधर रहेगा, इधर करके जाएगा इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, जैसे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो तरीका मैं दिखा रहा हूँ। और इसे हम इस तरीके से हम डबल ले लेंगे, बस हो जाएगा। और फ्रेंड ये देखिए इसे आपको इसी तरह तैयार करना है इस जगह में, ये देखिए। और इसे उसके देने के बाद ये देखिए ये जो जगह रहेगा इसे दोनों तरफ से इसी तरह हम लोग जो लटकन लगा सकते हो आप लोग, इसी तरह कपड़ा में कुछ लगा से बना के आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि हम झुमका लगाते हैं ना उसी तरह, इसी तरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसे मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले आप लोगों को कुछ लोग है बहुत लोगों को ये पता है किस तरीक़े से इसे करना है, मगर कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता ये कैसे बना है। तो मैं ये एक बार दिखा रहा हूँ, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से आप लोगों के सामने करूँगा।
ताकि जिन लोगों को ना पता हो आप लोग भी ये बहुत आसानी से कर सकोगे। तो चलिए मैं इसे ओपन करके उसके बाद ए टू जेड किस तरीके से ये चेन मैंने बनाया है, ये क्रोशेट बोलते हैं इसे, तो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड ये देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर का जो हिस्सा है इसी तरह जितना ऊपर हमें रखना है। तो ये एक बात मैं बता दूँ, ये टेक्निक कभी कभी ऊपर में रहता है एक्स्ट्रा, कभी कभी नीचे में रहता है, तो जो चाहे आप लोग कर सकते हो। और ये हमारा जो लेवलिंग है ये, ठीक है, ये हमारा लेवलिंग है। तो एक को गैपिंग छोड़ के दूसरा को हमें देना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसे दे रहा हूँ और उसके बाद एक को गैपिंग छोड़ दिया है मैंने दूसरा। और ये काम करने के लिए आप लोग फ्रेंड, ये जो मैंने लूपिंग को थोड़ा सा गैपिंग दिया है ना, आप लोग चाहे तो इस थोड़ा सा गैपिंग को कम भी कर सकते हो, इतना छोटा छोटा करके भी आप लोग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा उसके लिए। और ये देखिए फिर से मैंने एक गैपिंग छोड़ दिया है, दूसरी को मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद फिर से मैं एक गैपिंग छोड़ रहा हूँ और उसके बाद इस जगह से कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आएगा और बाकी बचा जो एक एक घाट तो वो उस जगह से ही चले जाएगा। और एक ध्यान में रहे, आप चाहे तो इसका नीचे से भी दे सकते हो, इसका ऊपर से भी दे सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, एक ऊपर में दिया है और एक नीचे से आप लोग दे सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस तरह इफेक्ट होगा। मगर आप लोग चाहते हो तो चलो हम ऊपर से ही सब ऊपर से ही हम दे देंगे, तो ऊपर से दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, ठीक है, ये होगा, ये होगा। और उसके बाद हम चाहते हैं इस जगह में इसी तरह एक होलसेल में इसी तरह ही होता है, ज़्यादा इस जगह में पाका वाका कुछ भी नहीं होता है। दूसरी जो है उसमें भी मैंने, आप लोग चाहे लटकन भी लगा सकते हो इसके बाहर में, ये देखिए इसी तरह। ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है और इसके बाद इसे उल्टाना है। और ये एकदम होलसेल में जिस तरीके से होता है, और आप लोग चाहे जैसे कि इसे पाका करने का जो तरकीब है, जो तरीका है, आप लोग चाहे वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं उसमें इस कैसे करना है मैंने अलग वीडियो में बहुत बताया है इसे, तो अब वो देख लीजिएगा। और इसी तरह ये देखिए ये दोनों हो गया है। और उसके बाद जब इसे पहना जाएगा तो उसके बाद इसी तरह होके जाएगा इस जगह में। कुछ भी करिए आप अपने हिसाब से दीजिए, और इसे पहनने के बाद और भी अच्छा ये दिखता है। और इस वीडियो के बाद और एक बात फ्रेंड मैं बताना भूल जा रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने बोला था आप लोगों को फ्रेंड, अब बहुत कम ऐसा होता है जो नीचे में इतना मानिए ब्लाउज बना रहा है तो उसका गैपिंग इतना रहता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं है। तो आप लोग चाहे फ्रेंड इसके ऊपर इसी तरह भी कर सकते हो, इसके नीचे कोई कपड़ा देकर भी आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, इसे लेकर आप क्या क्या बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा वो देखने में, ताकि इसे लेकर आप क्या क्या बना सकते हो। आप लोगों को शायद लगा ये चैनल में तो है, तो चैनल में तो है, तो मैंने भी बहुत वीडियो बनाया है इसके ऊपर, मगर ये जो टेक्निक मैंने आप लोगों को सिर्फ अलग करके नहीं दिखाया और अभी दिखा रहा हूँ, और दिखा भी दे चुका हूँ आप लोगों को, आप दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से हम इसे यूज़ करके क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए किस तरीके से मैंने एक एक डिज़ाइन को यहाँ पर किया था, और देखिए, और इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी आप हज़ारों टेक्निक होता है जो हम तो अभी दिखा नहीं सकते, मगर आप खुद ही बना सकते हो वो, क्योंकि मैंने सभी दिखा दिया है इसमें, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जैसे कि सिंपल सा जो लूपिंग टेक्निक है ये, और ये क्रोचेट मैंने किया है,
और ये वाला है, आप देखिए और एक में दिखा दो आप लोगों को। ये वाला है फिर थोड़ा सा अलग, इसमें कोई लूपिंग मैंने अलग तरीके से नहीं दिया है, लूपिंग को ही मैंने बड़ा करके दिया है इस जगह में, और इसे फ्री हैंड इस जगह से इधर उधर करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो अब देखते रहिए सभी डिज़ाइन एक एक करके। ठीक है फ्रेंड, तो शायद आप लोगों को सारे डिज़ाइन दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, और दोबारा कोई अच्छा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक का शुभरात्रि एंड गुड नाइट। और जाने से पहले आप लोगों को फिर से बता दूं फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा।